हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन देखा था ई कॉमर्स का, व्हाट इज ई कॉमर्स ये देखा था, और एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स हम देख रहे थे। उसमें हमने इंटरनेट बुक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, ऑनलाइन ऑक्शन एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग देख लिया था। सो टुडे स्टार्ट विथ ऑनलाइन बिलिंग। इन ऑनलाइन कंपनीज सेंड देयर बिल्स टू कस्टमर्स थ्रू ईमेल। जो भी ऑनलाइन कंपनीज होती है वो कस्टमर को बिल कैसे सेंड करती है, थ्रू ईमेल्स। जो भी उनकी वेबसाइट्स होती है उससे वो बिल जनरेट होता है, वो डायरेक्टली उसको ईमेल थ्रू सेंड करती है। वंस द कस्टमर रिसीव्स द बिल्स, ही सी कैन पे ऑनलाइन ऑन द कंपनीज वेबसाइट यूजिंग क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। जो भी कस्टमर होते हैं, जैसे ही वो रिसीव करते हैं बिल्स, तो वो भी जो है पेमेंट ऑनलाइन करते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। कंपनी हु नीड टू सेंड द बिल्स टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स पीरियोडिकली कैन यूज दिस फैसिलिटीज। व्हाई दिस कंपनी यूज दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज, बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल BSNL, तो BSNL के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, सो दैट्स वाई दे सेंड बिल्स थ्रू ऑनलाइन, एंड जो भी कस्टमर होते हैं वो भी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसे कि जो भी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में कुछ भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो या कुछ भी ई कॉमर्स में कुछ भी नया आए, तो वो कस्टमर को जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करती है थ्रू इंटरनेट, राइट। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज द इंटरनेट टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर और मेंबर्स। जो भी यूजर और मेंबर्स होते हैं उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। दिस इंक्लूड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज। उसमें हम एजुकेशनल और यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो जो भी उसकी वेबसाइट होती है, तो दे प्रोवाइड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स, एग्जामिनेशन स्केड्यूल एंड सेटिंग अरेंजमेंट एंड इम्पोर्टेंट नोटिस। ये जो सारे प्रोसेस होती है वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे होती है, राइट। मतलब जो भी फॉर्म फिलअप करना हो या एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, एग्जामिनेशन डेट हो, जो भी नोटिस होती है वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आती है। स्टूडेंट्स कैन व्यू देयर रिजल्ट्स यूजिंग द वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर। स्टूडेंट है वो वेबसाइट पे कहीं से भी रिजल्ट देख सकते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड वेरियस फॉर्म्स टू बी डाउनलोडेड सो दैट द कस्टमर कैन ईजिली डाउनलोड एंड यूज इट। जैसे कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उस वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं, सो स्टूडेंट वहाँ से पेपर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कंपनीज कैन ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन और डिटेल्स अबाउट द कस्टमर्स बाई फिलिंग द फॉर्म्स ऑनलाइन। जो कंपनीज होती हैं उसके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमने कोई अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ बाय किया हो, तो उससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। पेमेंट करने से पहले जब भी हम रजिस्ट्रेशन फिलिंग द फॉर्म्स, जो हम फॉर्म्स फिलअप करते हैं उसमें हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसमें डालते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके जो कंपनीज है उसकी वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर होते हैं। मतलब जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है यूज करके हमें प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज हैव बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट ड्यू टू द ह्यूज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट डिकेड्स। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे, तो सपोर्ट सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है इन ई कॉमर्स वेबसाइट। सो टुडे इवन द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइज सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल एबिलिटी फॉर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइज। जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज भी होना चाहिए और टेक्निकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक को मेंटेन करने के लिए। तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर हमने कोई प्रोडक्ट बाय की हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो और कस्टमर वो कंप्लेन करता है उस वेबसाइट पे, तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट के
हैंडलर हो या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो उस कंप्लेंट को रिकॉग्नाइज करके उसको सपोर्ट इंजीनियर सेंड करते हैं, राइट। मतलब जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल की हो, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले जो वेंडर्स होते हैं, जो जो कस्टमर लाइसेंस कस्टमर होते हैं, उसको जो भी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर हार्डवेयर वेंडर्स की बात करें तो वो भी अपने जो ड्राइवर्स होते हैं, उसमें कुछ भी डाउनलोड का प्रोसेस होता है तो वो कस्टमर को वहां पे भी वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो भी सपोर्ट होता है वो सपोर्ट सर्विस ई कॉमर्स वेबसाइट से वो प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाई डे। अभी हमें सबको पता ही है कि नेट बैंकिंग हम घर से ही पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या कुछ भी बाय करना हो तो हम घर से ही कर सकते हैं। मतलब नेट बैंकिंग अभी ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है। समटाइम्स अ कस्टमर मे वॉन्ट टू मेक एन अर्जेंट पेमेंट और चेक हिज अकाउंट बैलेंस विदाउट विजिटिंग द बैंक ड्यू टू सम प्रॉब्लम। अगर हमें अर्जेंट पेमेंट करना है तो हम डायरेक्टली नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, उसके लिए हमें बैंक में भी जाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन बैंकिंग कैन हेल्प द कस्टमर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ऑनलाइन बैंकिंग ने ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि विजिट पहले हमें विजिट करना पड़ता था बैंक, बट नावाडेज नेट बैंकिंग यूज करके हमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है। ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ओवर द इंटरनेट, और ये जो सारी प्रोसेस है थ्रू इंटरनेट होती है। सो चेक अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम, मतलब जो भी हम बैलेंस वगैरह जो भी चेक करना चाहे वो हमें हमारा हमारे सेलफोन पे वो चेक कर सकते हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज है, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ऑप्टेन स्टेटमेंट्स फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कोई भी हमारा क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड है उसके स्टेटमेंट्स भी हमें मिल जाते हैं। फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हमने किए हैं उसके स्टेटस भी हमें मिल जाते हैं। पे वेरियस बिल्स ऑनलाइन लाइक टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक, जैसे टेलीफोन का हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या गैस बिल हो, तो जो भी बिल्स होते हैं वो ऑनलाइन हम पे कर सकते हैं। कस्टमर इज प्रोवाइडेड अ पासवर्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज विद विच ही लॉग्स इन टू द बैंक साइट एंड परफॉर्म ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज। मतलब कि जो भी हमारे पास एप्स होती है उसमें पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एटीएम के लिए हमारे पास पिन है तो हम उसको सिक्योर रखते हैं, सेम भी यहाँ पे लॉगिन आईडी मतलब जो पासवर्ड होता है वो हमें सिक्योर रखना होता है, और पासवर्ड से ही हम जो भी प्रोसेस मतलब जो भी फैसिलिटीज है वो हम यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स टुडे प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग, जो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है जैसे कि ऑनलाइन एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, पीएनबी इंडिया, देना बैंक, ये सारी जो बैंक्स है वो ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एसबीआई, उसकी भी सारी ऑनलाइन प्रोसेस हमें कर सकते हैं। नाउ ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में हमें शॉप पे जाना होगा, और शॉप पे हम जाके जो भी प्रोडक्ट है उसको देख के एग्जामिन करके हम परचेज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम गोल्ड की बात करें या कोई फूड्स की बात करें तो वो हम ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें देख के लेना होता है, राइट। मतलब कुछ चीजों में अभी भी हम ट्रेडिशनल कॉमर्स यूज कर रहे हैं और वो जरूरी भी है। जैसे गोल्ड लेना हो तो उसको ऐसे ही ऑनलाइन पे हम मतलब जो भी ज्यादा पैसे की होती है वो हम ऑनलाइन नहीं लेते हैं, और मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली फूड्स एंड गोल्ड जैसी चीजें होती है वो हम ट्रेडिशनल कॉमर्स से ही लेते हैं, राइट। और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, तो उसमें जैसे जो शॉपकीपर होता है उसको हम मर्चेंडाइजिंग भी बोल सकते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज करेगा, स्टोर में डिजाइन करेगा, उसको हम मर्चेंडाइजिंग बोलेंगे, राइट। और उसमें कैसी स्किल होती है, जैसे कि कस्टमर को जानने की, कस्टमर से वो कम्युनिकेट करते हैं फेस टू फेस, तो उसको इस उतना एक्सपीरियंस हो गया होता है कि वो इस कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब ऐसे कम्युनिकेट हो सकता है।
बट ई कॉमर्स में ये पॉसिबल नहीं है, राइट? सो मर्चेंडाइजिंग को, मतलब जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें ये बेनिफिट्स है। हियर इज द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, देखते हैं। ऑपरेट्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। यस, और ट्रेडिशनल में क्या होगा कि हम जब भी शॉप ओपन करेंगे तो उसका टाइम पीरियड होगा, वो जैसे कि 9 to 7 या 9 to 12, इतने टाइम तक ही हम कर सकते हैं, राइट? देन आफ्टर, नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ कंपिटिटर्स। जो भी कंपिटिटर्स है उसके साथ हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर एंड मेनी मोर। अगर हमने शॉप ओपन की है तो जैसे हम मॉल की बात करें तो मॉल में हमें सेल्स पर्सन चाहिए, सेल्स मैनेजर चाहिए, राइट? तो उसको हायर करना पड़ेगा। लोकेशन रेंटिंग और परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंटरी, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी जहाँ पे भी शॉप या मॉल लगानी है तो पहले उसको रेंट पे या परचेज करना पड़ेगा, राइट? उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। देन आफ्टर इन्वेंटरी, शिपिंग, ये सारा जो प्रोसेस है वो खुद मर्चेंडाइजिंग को करना पड़ेगा। मतलब ये सारी प्रोसेस ट्रेडिशनल कॉमर्स में आती है। यहाँ पे ई कॉमर्स की बात करें तो एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजिंग, मतलब मार्केटिंग करनी है, वो ऑनलाइन हो सकती है। कस्टमर्स कैन ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट कैटेलॉग एंड अवेलेबल ऑफर्स। यहाँ पे कस्टमर को कैटेलॉग भी सेंड होता है और जो भी ऑफर्स है वो भी मिलती है, राइट? ई पेमेंट सिस्टम आर यूज्ड फॉर रिसीविंग पेमेंट। हाउएवर, इन मेनी केसेस पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आफ्टर डिलीवर द प्रोडक्ट, मतलब जब भी हमें प्रोडक्ट मिले उसके बाद हम उसको पेमेंट करें, राइट? तो ये इसके लिए भी ई कॉमर्स ज्यादा यूज होता है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज। इसमें 2-3 दिन लगते हैं फॉर गुड्स को, मतलब प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। रिड्यूस द पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जो भी जैसे जैसे हमने मल्टीपल प्रोडक्ट सेल की है तो उसका ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं, मतलब जो उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वही लगेगा। रिड्यूस द टाइम टेकन टू परफॉर्म एंड ओवरऑल ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी है, जितने भी प्रोडक्ट लिए हो उसमें जो भी है वो ट्रांजेक्शन, मतलब जितना टाइम है उतना ही टाइम लगेगा, मतलब उसमें टाइम रिड्यूस होगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो। हियर इज द, यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट किया है कि उसकी जो की एलिमेंट्स है उसमें ई कॉमर्स क्या है और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले है वैल्यू क्रिएशन। तो ई कॉमर्स में आएगा इंफॉर्मेशन और ट्रेडिशनल कॉमर्स में प्रोडक्ट और सर्विस। इंफॉर्मेशन मतलब जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को मिलती है, और ट्रेडिशनल कॉमर्स में खुद कस्टमर प्रोडक्ट को देख सकता है, जो भी सर्विसेज है वो देख सकता है। स्ट्रेटेजी, सेंस एंड रिस्पॉन्स, सिंपल्स रूल, क्लासिकल। यहाँ पे जो भी, मतलब वेबसाइट के थ्रू जो भी रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पे हम खुद ही ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एज, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे क्वालिटी और कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव फोर्स, लो बैरियर्स ऑफ एंट्री, पावर ऑफ कस्टमर्स, मतलब यहाँ पे कस्टमर चाहे तो, मतलब कस्टमर का पावर रहता है, जितने भी कस्टमर आए उतने एंट्री कर सकते हैं। पावर ऑफ सप्लायर्स, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जितने सप्लायर्स प्रोडक्ट को सेंड करते हैं यहाँ पे सप्लायर का पावर ज्यादा है। और प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रोडक्ट कैसे आप सब्स्टिट्यूट करो कस्टमर को, उस पर डिपेंड है। रिसोर्स फोकस, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, मतलब जो डिमांड होती है कस्टमर की उस टाइप में, और यहाँ पे सप्लाई। कस्टमर इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस कैसे होता है, जैसे हमने कम्युनिकेट की बात की तो यहाँ पे कम्युनिकेट ई कॉमर्स में होता है स्क्रीन टू फेस, और यहाँ पे होता है फेस टू फेस। देन आफ्टर, सॉरी, हाँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीडिएटेड चैनल्स, यहाँ पे टेक्नोलॉजी थ्रू कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे पर्सनल होता है। एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे 24/7 ये एक एडवांटेजेस है और यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, तो ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। कस्टमर इंटरेक्शन, सेल्फ सर्विस, यहाँ पे खुद कस्टमर जैसे शॉपिंग कार्ट में ऐड करके, ऐड टू कार्ट करके वो सेल्फ सर्विस कर सकता है। और यहाँ पे सेलर इन्फ्लुएंस, मतलब सेलर दिखाता है और हम कस्टमर जो है देख के लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, पर्सनलाइजिंग, पर्सनलाइजेशन, 1-to-1 मार्केटिंग, मतलब हम खुद ही ऐप पे देख के 1-to-1, मतलब जो जैसे मार्केटिंग होती है। और यहाँ पे
वन वे मार्केटिंग होती है, स्टैंडर्डाइजेशन मास में मार्केटिंग होती है। यहाँ पे प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि जो प्रमोशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंड होती है वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग, मतलब जो भी मर्चेंट होते हैं वो करते हैं प्रमोशन उतना ही, मतलब जितनी लिमिट एरिया में होता है होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कमोडिटी, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसका पिक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पे पेरिसेबल्स, फील्स एंड टच, मतलब हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, राइट। तो हियर इज द डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। सो ई कॉमर्स इन इंडिया हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।